वेलकम टू द कम्युनिटी पॉड आपका हमारे कम्युनिटी पॉड में स्वागत है मेरा नाम जसप्रीत है मैं आपकी होस्ट हूँ और आप मुझे जैस कहकर बुला सकते हैं वी आर वेरी डिलाइटेड टुडे बिकॉज वी हैव वी हैव ए वेरी ग्रेट डॉक्टर टुडे विद अस एंड हिज नेम इज़ डॉक्टर शतीश राव ही इज़ वर्किंग इन बर्मिंगम चिल्ड्रन हॉस्पिटल एज ए मेन मेडिकल ऑफिसर ही थैंक यू चर्स थैंक यू वेरी मच फॉर द इन्विटेशन यहाँ पे आने में बहुत खुशी हो रही है मेरा नाम सतीश राव है मैं पीडियाट्रिशन हूँ मैं बच्चों को जो भी सांस लेने में तकलीफ होती है वो रेस्परेटरी प्रॉब्लम्स जो कहते हैं उसका स्पेशलिस्ट हूँ मैं चिल्ड्रंस अस्पताल में अभी कुछ सेवेंटीन एटीन ईयर से काम कर रहा हूँ mm -hmm. uh, और uh, इस साल मैं चीफ़ मेडिकल ऑफिसर करके एक टॉप uh, पोजीशन है बर्मिंग हम विमेंस चिल्ड्रंस हॉस्पिटल का yes. उसका चीफ मेडिकल ऑफिसर भी हूँ nice so, like, आप कैसे शामिल हुए uh, के इस... मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारे बच्चों को और यंगस्टर्स का देखभाल करता हूँ हाँ वो उन सबको कुछ ना कुछ तो रेस्परेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं कुछ हो। को आस्थमा कोई प्रीमेच्योर पैदा हुए होते हैं और और बहुत सारे रेस्परेटरी प्रॉब्लम्स होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस और हाँ जी। वो सब सारे जब मैं उन बच्चों को और वो यंगस्टर्स का देखभाल अभी कुछ साल से कर रहा हूँ तो इट इज़ वेरी क्लियर के जो भी एयर क्वालिटी होता है ना वो इंडोर घर के अंदर का एयर क्वालिटी और बाहर का भी एयर क्वालिटी yes. उसके हेल्थ पर उसके बहुत क्या इट इज़ हैविंग अ मैसिव इफेक्ट अगर बच्चा बच्चे को आसमा हुआ हो तो जब वो बाहर निकलते हैं मेन रोड्स पे चलते हैं अगर स्कूल जाना हो तो और कहीं और जाना हो तो जब मेन रोड्स पे चलते हैं तो बच्चे आके मुझे बताते हैं कि उस उनके आस्थमा ज़्यादा हो, हो जाता है सांस लेने में तकलीफ़ हो जाता है खांसी ज़्यादा हो जाता है तो इस हिसाब से मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखता रहता हूँ कि जो घर के अंदर पोअर एयर क्वालिटी से और बाहर एयर पोल्यूशन से जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जी। वो हर दिन मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देख देखता हूँ तो इससे मुझ में मुझे ये इंटरेस्ट हुआ कि कुछ तो करना है इस इसके बारे में लोगों को बताना है कि ये असर हो सकता है अपनों अपने ब्रीदिंग पर और अपने बच्चे और कि ब्रीदिंग पर भी हो सकता है ये सब like बस आपने बताया जब लोग बाहर जाते हैं वहाँ से पोल्यूशन होता है आप क्या ये बता सकते हैं अंदर से कैसे थीवर? अंदर जो हाउसिंग का जो भी कंडीशन है बर्मिंगहम में इतना अच्छे नहीं है तो घर के अंदर वो डैम्पनेस हो सकता है आ, और इससे कोल्ड कोल ड्राइव्स जो भी हवा आती है वो डबल ग्लेजिंग ठीक नहीं हुआ तो वो कोल्ड ड्राफ्ट है, आता है तो मोल्डस होते हैं तो वहाँ पे अगर कुछ भी डैम्प हुआ हो तो आ, वो हवा के क्वालिटी पर असर पड़ता है उससे और जब वो बच्चा आ, वो सांस लेते हैं घर के अंदर तो इट कैन अफ़ेक्ट द आस्थमा एंड एनी अदर रेस्परेटरी कंडीशंस जी you न know, आप क्या बता सकते हैं कैसे गर्भवती महिलाएं वो गेटिंग इफेक्टेड hmm. बच्चा उनके अंदर में से ही affected हो जाता है और आप ठीक कह है रही हैं जब गर्भवती महिलाएं जब वो एयर पोल्यूशन को एक्सपोज हो जाते हैं तो ये बच्चा जो अंदर डेवलप हो रहा है उस पर असर पड़ सकता है आप सोच सकती है कि जब बच्चा घर के अंदर होता है तो वो लंग्स डेवलप हो रहा होता है हार्ट डेवलप हो रहा होता है आ, और जब वो पोल्यूशन को एक्सपोज हो जाते हैं तो आ, लंग्स इतना इतने मजबूत नहीं डेवलप होता उससे जब बच्चे पैदा हो, होते हैं तो तब ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकता है आ, वो प्रीमेच्योर भी पैदा हो तो सकते हैं जो इम्यून सिस्टम होते हैं इम्यून सिस्टम पर भी असर हो सकता है इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता वो हार्ट पर भी असर होता है और जो ब्रेन डेवलपमेंट पे भी असर असर हो सकता है वो भी रिसर्च यू नो अच्छा। you know, रिसर्च शोन कि आपके ब्रेन डेवलपमेंट भी ठीक नहीं होता तो आ, बच्चे तो देन दे विल हैव डिफिकल्टी विद लर्निंग एंड ऑल ऑफ दैट सो एयर पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है वो पैदा होने से पहले ही बच्चे को अफेक्ट करना शुरू कर देता है ये बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात है ये कम लोगों को पता है हाँ जी। लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है और इतना रिस्क रिस्क भी है हाँ जी। और जो एयर पोल्यूशन का जो असर होता होता है ना वो it was different on different people okay but pregnant women Haan, uh, ja. they are more vulnerable Deha. us pe effect hota hai wo zyada hota hai aur bachon bachon hi, uh, yeah. and yeah. on the other hand the elderly people are also more severely affected mm -hmm. aapko to pata hai doctor hamare india there is pollution everywhere but if we see here इतना नहीं है तो वी आर स्टिल गेटिंग अफेक्टेड यहाँ पे इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ पोल्यूशन यहाँ पे उतना धूल uh, या डस्ट का जो पार्टिकल्स वो हवा में नहीं दिखता लेकिन यहाँ पे जो डीजल का वो पार्टिकल होता है वो, वो तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं अगर हाँ uh, वो वो छोटे पार्टिकल्स का ये हो होता है कि वो अगर बहुत छोटा हुआ हो तो दे कैन गो मच डीपर इन टू द लंग्स अगर पार्टिकल्स बड़े हो तो आप आ, ना, आ, वो पार्टिकल्स इट विल स्टॉप एट द नोज और इन द्रोट लेकिन वेरी फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपके लंग्स के बहुत अंदर जा सकते हैं उससे इट कैन गेट इन टू द ब्लड एंड इट कैन एक्चुअली अफेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द ऑफ द बॉडी टू हम तो ऐसे so, सोच भी नहीं सकते थे जैसे आप बता रहे हैं we are getting, like, मैं,

Uh, so for that reason air pollution is is a problem here as well as in uh, places like india and pakistan and everywhere it's yeah. ji हाँ so jab je sab uh, bachchon ko uh, asthma hota hai so wo kaisi difficulty face karte hain uh, बच्चों को जब uh, बच्चे बताते हैं या माँ बाप बताते हैं कि जब वो traffic का पोल्यूशन ज़्यादा हुआ हो तो वो आस्थमा कैन गेट वर्स सांस लेने में और तकलीफ़ होती है हाँ और खांसते बहुत है इससे आस्था अटैक भी हो सकता है आसमा अटैक से ये होता है कि सांस लेने में इतना तकलीफ हो जाता है कि वो डॉक्टर को या एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी को जाना पड़ेगा हाँ वहाँ पे वो दवाई ऑक्सीजन सब लगाने पड़ेंगे तो तो ये पता है कि ये बहुत इट इज़ वेरी क्लियर दैट एयर क्वालिटी अफेक्ट्स आस्थमा एंड वी सी दट हमारे जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में है ना हाँ तो हम देखते रहते हैं कि ये हो रहा है और इसके साथ में वो ज, घर के अंदर का माहौल जो है घर का अंदर द इनडोर एयर क्वालिटी दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट ओके सो दैट अगेन वी सी एस वेल सो यू नो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट घर uh, के अंदर जो है वो हम कुछ कर सकते हैं mm -hmm. uh, क्योंकि बिकॉज दैट इज़ अंडर आवर कंट्रोल जस्ट मेकिंग श्योर दैट द हाउस इज ड्राई ओपनिंग विंडोज यू नो फ्रीक्वेंटली एंड मेकिंग श्योर जो भी मॉइस्चर ह्यूमिडिटी हैज़ अक्यूमुलेटेड इट कैन इट कैन डी ह्यूमिडिफाई और हीटर ठीक ठीक तरह से यूज़ करना और कारपेट्स क्लीन रखना अगर माउल्ड हुआ हो तो उसको ट्रीट करना हाँ uh, वो सभी जो है हम कर सकते हैं क्योंकि घर के अंदर है हाँ लेकिन कभी कभी ये हो सकता है कि यू नो द हाउस में नीड क्वाइट अ लॉट ऑफ वर्क एंड एंड वी सी कम्युनिटी दैट प्रॉब्लम काउंसिल इट मे बी अ काउंसिल हाउस और इट मे बी प्राइवेटली रेंटेड सो देर सम फैमिलीज फाइंड इट डिफिकल्ट कि इतना ज़्यादा आपको तो पता ही so many people comes to you no? so uh, you think the council people the people living in the council houses they are getting more affected because so i mean it depends again on the housing condition, condition. if the housing condition is poor yeah. then we know it affects all kinds of chest problems Problem. including okay. asthma Okay, yes. but if the housing condition is okay then they are not getting into much problems yeah. But of course, you know, some parents also smoke. Smoking is not, not good, good for definitely. children's health, mm -hmm. and especially if they have a respiratory problem. Definitely. So, the things within our control, within the house, uh, we can address. Um, but when you come out of the house, the air pollution bit mm -hmm. uh, is not something that is directly under our control. No. Um, but there are some things that we can do. For example, uh, if we can avoid main roads, walking to the school, mm -hmm. um, then it is better to do that. Mm -hmm. And also, as adults, we can be responsible uh, ourselves and mm -hmm. and not and consider. You know, for example, um, you know, can we uh, walk uh, where we can walk? Can we walk? You know, our, use less cars, mm -hmm. for mm -hmm. example. Mm -hmm. uh, use more of public transport mm -hmm. and. You know, a lot of people still, uh, you know, drive their children to school. In some instances, uh, that might be right. That may be needed. But it is worth actually asking, you know, can we walk, walk to school to with school. the children? Because, again, children get exposed to a lot of traffic during school time. School ke uh, aas paas bahut cars hote Kuch cars um, you know, they keep it running. Yes. Uh, वो इंजन स्विच ऑफ नहीं करते तो आप सोच सकती है कि वो बच्चे वहाँ से, से जा रहे हैं स्कूल स्कूल के अंदर जा रहे हैं स्कूल से बाहर आ रहे हैं स्कूल के बाद तो दे बेसिकली इनहेल ऑल ऑफ दो थिंग्स सो देर आर थिंग्स दैट वी कैन डू यू नो एस्पेशली अराउंड स्कूल एंड अराउंड टाइम्स दैट में एक्चुअली हेल्प अवर चिल्ड्रन एंड अगेन Uh, use less of um, of car and oh, stuff if possible but you know uh, it, it it won't be possible for every family to do that and mm -hmm. for them to be able to do see. it every single time see. but uh, we can think about it Haan, Mainne, uh, research I no. in last few years, affected asthma attack jada jada, you know they got their pipes whatever they call to them And, can, क्या आप बता सकते हैं सभी को कि हाउ मेनी पीपल आर किड्स बच्चे गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज़ ऑफ सो जो बच्चे जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है ये नहीं कह सकते कि वो सारे एयर पॉल्यूशन से है हाँ या इंडोर एयर क्वालिटी से है वो, वो, वो बोलना मुश्किल होता हाँ है उसके लिए रिसर्च नहीं है हाँ लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर बच्चे को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या किसी भी कोई बीमारी हो हार्ट का प्रॉब्लम हो या इम्यूनिटी का प्रॉब्लम हो तो तब उन बच्चों को ज़्यादातर एयर पोल्यूशन या इंडोर एयर क्वालिटी से बहुत इफेक्ट है एडवर्स हाँ। इफेक्ट हो, होता है तो आस्थमा अगर आस्थमा के बारे में बात करना है तो आस्थमा इज़ अ कॉमन कंडीशन वन इन लेवन चिल्ड्रन विल हैव आस्मा इन दिस कंट्री अप्रॉक्सीमेटली सो अगर आप एक क्लास ऑफ थर्टी को देख रहे हैं तो इसमें देर विल भी अबाउट टू और थ्री चिल्ड्रन हु हैव आसमा ओके आसमा इस कॉमन okay, uh, ये नहीं कह सकते कि एयर पोल्यूशन से आसमा हो रहा है hmm. वो नहीं कह सकते लेकिन अगर बच्चा बच्चे को अगर आस्मा है तो वो एयर पोल्यूशन से ज़्यादा हो जाता है वो hmm. आसमा अटैक्स और खांसी वो सांस लेने में मुश्किल जो मुश्किल तकलीफ हो जाता है ना तो वो ज्यादा हो जाता है तो वो uh, करता है, जे, वो करता है जी, और एंड दैट वी वी सी सी कॉमनली इन क्लिनिकल प्रैक्टिस सो हाउ टेक टू टू किड्स गेट इफ कम अंडर एयर मीन इट कैन Uh, so the effect can be seen pretty much you know in in the first year of life itself mm. so they can present with more breathing problems See. they can present with more respiratory infections mm -hmm. uh, so the effect starts right from when they are inside the womb yes. yeah so uh, how can you say that they are the air pollution is more affecting kids um, children and so the and air pollution if you if you basically, uh, children are susceptible because um, you know they are more likely to be outside, um, mm. and they are. If you imagine a child, um, you know, going to the school, they are much closer to the ground. They are more in the line of car exhausts and all of that. Mm -hmm. um, and because of uh, and children generally because they have uh, their body is still developing. Okay, so the, mm -hmm. if you imagine uh, children they are the lungs are growing, the heart is growing, their immune system is growing and developing. So because they are growing, uh, the organs inside the body will be more susceptible, you know more uh, sensitive to mm -hmm. air pollution than somebody you know who has already grown, because mm -hmm. that is how the air pollution can, can affect them because uh, you know it will stunt. Uh, reduce lung growth, for example, it ji, will ji. make your immune system slightly worse etc. Mm -hmm. yeah, or not as strong, okay. Haan, so, that is how it affects children and ji. affects children because they are growing and ji. also they are more susceptible because of their size mm -hmm. and because of the fact that they spend more time outside, okay. okay. Like They will also get affected. So, the other uh, thing is um, you know even if you look at adults elderly adults will be you know uh, will be more susceptible uh, agar koi ho to, then they are con uh, they are a little bit weaker so they can have more effect and even in adults uh, we know that the air pollution causes um, increases the risk of stroke, stroke jobih, mm -hmm. heart attacks ki risks ja hote, or lung problems ke risks zyada pollution, if you're exposed more to pollution, mm -hmm. then the risk of all of those things yeah. and dying early is again uh, very high in in adults as well. Mm -hmm. um, and in children the thing is what is more important is um, a children's growth will be affected. So that okay. means it will continue throughout their life. Uh, you know, the thing is if 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 the child, as a result of being exposed to a lot of pollution, mm -hmm. ends up having, uh, you know, reduced lung capacity, then, you know, that will also affect them when they are adults. Yes, adults. okay, yeah. so Just that the brain gets affected. correct. They, there is effect on their immune system, the system. on their developments, uh, and things like that. so with children, uh, the effect is all throughout the life. So Jee. it starts young and it will affect them all throughout their life. So they won't be able to develop um, you know, the respiratory capacity or heart capacity um, to the best of their ability. Jee. And that will obviously affect them. Yeah. So what do you think um and jo air pollution, hai, air quality ke liye. वो कैसे उनकी लाइफ बेटर कर सकते हैं कमजोर लोगों के लिए बच्चों के लिए गर्भिया सो एयर पॉल्यूशन नीड्स एड्रसिंग फ्रॉम मेनी डिफरेंट लेवल्स यू नो जो भी द पॉलिसी मेकिंग से शुरू होता है कि जैसे यू नो हाउ कैन हाउ कैन वी हैव लेस कार्स ऑन द रोड एंड यू नो एज अ सिटी एज अ कंट्री सो दैट इज़ वन थिंग सो हाउ कैन वी मेक इट कम्फर्टेबल फॉर द पब्लिक Uh -huh. so that they don't have to rely so much on the cars. Yes, yes. Um, so there, there are a set of those sorts of things that obviously uh, various councils are thinking about and I know uh, even in Birmingham there is okay. quite a lot of work going in in that area, the ultra, the congestion zone and okay. ultra low emission zones etc. So those sorts of things um, uh, have had a positive impact but of course you know um that all of those things have to be implemented properly, which properly, is what uh, various cities and councils, including Birmingham, have tried gee. to do. Mm -hmm. So there will be things like that, you know, which will be, again, having more greener vehicles if mm -hmm. so you can't completely uh, you know, get rid of vehicles from the road, so how can we have more uh, greener vehicles which have less emissions and those That's sorts necessary. of things? Um, as I already said, you know how can we have more public transport, Gee. and how can we uh, actually reduce um, air pollution in many different ways? Mm. At an individual level, again, there may also be little things that we can do. As I talked, yes. you know, it is again being conscious that can we use yes. more of public transport? Can we, you know, can we walk to school, especially? What I feel is the school times is something Gigi. we as adults and parents can actually take a little bit more ownership. You know, can we have car free of zones course. around the school? Because that is when a lot of children, and it, it is not only children who are going to the school who get affected, you know, these children will also have younger siblings. You know, quite often sure. uh, the little baby. And you know, their baby brothers and sisters will also be accompanying yes. them to the school. So it is just not those children who the are going to the school. Almost, the know. whole family and, yes. and little children will get exposed. And also there may be some you know women who are pregnant taking their other children to the school. So uh, that may be something to consider. There are a lot of uh, initiatives uh, in Birmingham and in Solihull. Um, you know that uh, that schools can make yes. make uh, use of, and um, schools can, just, can only do yes. so much. I mean, that is where I feel mm -hmm. uh, you know parents and and the communities can join hands. Yes. Uh, so to me, you know, that seems like a something concrete yes. that parents could essentially consider. That you know, Gee. can we at least have yeah, some area around school? With less cars, I mean, we can't completely get rid of because there will be times when some families, you know, they have to use cars for oh, whatever reason. Just but use some common less, sense. Less, yeah, you know. and and having a specific effort on can we make spaces around schools a little bit more? You, you know, notice that, doctor? Yeah. It's always busy on that time. Correct. Um, correct, correct. I don't correct. know why it goes like that. There will yeah. be, uh, you know, that lorries will be coming at the same time, yeah. so many cars. Yeah. And all that I mean, people have to live their lives, people have to drop children off to schools and yes. they have to go to work and all of those things yes. are there. So, yes. you know, it is not easy. Yes. Uh, but yes. I still feel there may be something around that that people, we can. that we, that as individuals we can take a little bit of, of a, a ownership. Yes. It feels to me that that is an area. Definitely. Uh, really, just as, because otherwise it is quite Easy to um, say that somebody else should do something for this problem and you know, it is always easy to say, well, if only council did this or that or the other, all those things need to happen as well, of course. but there may be a case for taking some Ji. personal ownership as well. So pregnant. आई मीन इट गोज़ बैक टू द सेम सेम फ़िलासफी दैट यू नो यू अगेन जो गर्भ गर्भवती औरत होते हैं उनको भी काम होता है वो उनको भी बाहर जाना होता है वो उनको भी शॉपिंग करना होता है बच्चों को ड्रॉप करना होता है सो यू कॉन्ट स्टॉप योर लाइफ इज इन टो इट इज़ अगेन जस्ट बींग कॉन्शियस एंड दैन

Uh, whichever school wants to participate, we go into that school, school, uh, school uh, uh, and we talk about asthma, about air pollution and how जाओ. to look after asthma. and we also develop asthma ambassadors as in asthma uh, uh, when they st start talking, जी. then it becomes more powerful, then other <laughs> children listen, other youngsters listen. listen. So, we have done a lot of those programs. Uh, I have a team and I'm really Thank grateful you. for all the work that they do. Yes. So, we have been to almost 40 45 schools in Birmingham and Solihull and we have done this asthma so, friendly, friendly school, school program. Uh, invite school. If me about asthma, उस पर बात करते हैं एयर पोल्यूशन के भी बार बार, uh, बात करते हैं और बच्चे जो हैं दे विल डू सम एक्टिविटीज कुछ पोस्टर्स बनाते हैं असम्बलीज करते हैं एंड इन सम प्लेस चिल्ड्रन हैव पुट टुगेदर प्लेस व्हिच बेसिकली दे देैक्ट दोस प्लेस फॉर फॉर पेरेंट्स व्हेन पेरेंट्स कम टू पिक देम अप इन द इवनिंग सो दे दे स्टेज अ प्ले ऑन एयर पोल्यूशन एंड अनैसमा सो The whole idea of this is, again, to uh, spread the knowledge and oh. empower schools and children and <laughs> youngsters. <laughs> and uh, secondary schools. <laughs> uh, so Wape, <laughs> some youngsters have uh, done projects around um, vaping, <laughs> around smoking. <laughs> they have done projects about air pollution, they have done projects about recycling of inhalers, inhalers, <laughs> <laughs> So how to recycle them so in a आपका काम करतेन वी वर्क विद स्कूल एक प्रोग्राम बनाते जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूल को क्या चाहिए वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड और उसके बाद एक प्रोग्राम बनाते और उसके बाद

उनके लिए भी एक एक्सपीरियंस होता है वो इन बच्चों के लिए yeah, यंगस्टर्स के लिए और जब वो यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन भर रहे होते तो हेल्प हेल्प भी हो जाता है जी. तो जो आ, हमने जो स्कूल से प्रोग्राम किया था वो इनिशियली वी स्टार्टेड जस्ट ऑन एस्म बट नाउ इट इज़ ऑन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल एंड इंक्लूडिंग वर्क एक्सपीरियंस सो या दैट इज़ हाउ इट हैज़ ग्रोन लगा like it, है कि लोग अपना ख्याल रखें और ऐसे कॉमन सेंस यूज करें जो so, उनको दवाई भी कम खाना पड़ेगा और जिनो you know? um, दवाई जो है वो अगर ज़रूरत है तो oh, दवाई जरूरत और इनहेलर्स को लेना है, लेना है अदरवाइज इट कैन एडवर्सली एफेक्ट योर हेल्थ लेकिन यू नो बाय यू नो ट I mean the, the problem is with air pollution, there, mm -hmm. there are some things that are under our control, but a lot definitely. of things are not un under our control. And within the house, Jovi air quality hotel, I mean that is in our control, control. to a large extent, but uh, if the building is in such a state that <laughs> it needs sort work, then definitely. then you know some families may struggle to uh, mm -hmm. you know get that sorted. Mm -hmm. um, yeah. yeah So when we come back to uh, kids again when it comes under like a bad air quality, you think um, they are getting more admitted in hospitals? It is, if you look at the research, um, the air quality, poor air quality, mm -hmm. will result in more problems for children who already have mm -hmm. breathing issues, mm -hmm. or for that matter, even wider health issues. Mm -hmm. So, when they have more problems, it affects different children in different ways. In some children, yes, e the problem might get so severe that they might have to come into the hospital Not for treatment or they might have to go to their own GP emergency services for treatment. Yeah. So if you look at the research, yes, yeah. the air quality has an impact on yeah. admissions and yes. on on acute attacks, Definitely. you know, what we call, asthma attacks Haan, we know that if you if the air quality is poor jih. it can cause more asthma attacks yes. thank you doctor yeah. so dr rao thank you so much for your um, coming here and that was a really really very important information i hope our audience really going to learn something from that and make a difference thank you very much thank you for the invitation and thank you to sati house thank you for this great um, initiative as well and, and thank you for making me part of this thank you, thank you so much and doctor if uh, we want to tell our audience ke wo unke school bhi aapko invite kar sakte hain, is that okay that is good yes, yes yeah. Yeah. Um, so school programs jo bhi hai,

लिए कुछ करना चाहिए एक एक इंसान नहीं कुछ कर सकेगा सो so, हमें मेक श्योर sure होना पड़ेगा हमारे आसपास सभी कुछ क्लीन है एयर पोल्यूशन नहीं है घर क्लीन है मोड नहीं है ओल डिपेंड ऑन अस सो दैन वी कैन मेक ए दिस प्लेस दिस वर्ल्ड ए ब्यूटिफुल प्लेस टू लीव फॉर नॉट जस्ट फॉर अस फॉर द जनरेशन हु आर कमिंग टू इन दिस वर्ल्ड सो टूगैदर एज वन कम्यूनिटी एंड वन फैमिली We have the power to create a cleaner air, not just for ourselves, but for the future generations. This is not just a hope, it's a responsibility we all share. Because of not, why not? Thank you for joining us today and listening. Until the next time, stay tuned, stay safe. Thank you. Take care.